Hello everybody, welcome back to my channel and I hope you all are doing well, extremely well. So, आज की वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड थी मेरे चैनल पे, क्योंकि जब से सबको पता चला कि मैं पुणे में शिफ्ट हो गई हूँ, मुझे काफ़ी लोगों के DMs आए थे कि प्लीज़ PG essential वीडियो बनाओ कि PG में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए. तो इसलिए आज हम ये टॉपिक पे बात करेंगे. एंड मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए अपने नोट पैड में, जो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें खरीदनी पड़ी और मैंने क्या गलती की थी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिक्स. तो बेसिक्स में क्या होता है कि जब भी हम लोग कहीं बाहर शिफ्ट होने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि आई नीड न्यू क्लोथ्स. हाँ, तो सब लोगों के साथ यही होता है कि वो लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं. मतलब मैंने तो खरीदे थे काफ़ी, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि ऑफिस जाना है, नए कपड़े चाहिए होंगे, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा. तो मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारे कपड़े खरीद लिए. ओके, तो फिर क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर आई और मैं यहाँ के मॉल्स में गई, मैं यहाँ के जूडियो में गई और जहाँ जहाँ अच्छा कलेक्शन होता है वहाँ गई, तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने गलती कर दी है, वहाँ से सारे नए कपड़े लेकर आ गए. तो इसलिए आप भी अपने बहुत सारा बैग्स भर के वहाँ से मत लेकर आओ. यहाँ पे आने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पे क्या कलेक्शन है और वहाँ पे देखो, आपको लेने तो कपड़े हैं एंड वो कपड़े यहाँ पे भी मिलेंगे, वहाँ पे भी मिलेंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि सारे कपड़े अपने होम टाउन से लेके आने के बजाय आप थोड़े बहुत लेके आ सकते हो जो आपको लगता है कि आपको स्टार्टिंग के डेज में लगेंगे, एंड उसके बाद आप यहाँ से जाके ले सकते हैं. देन नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आने के बाद, पीजी में आने के बाद सबसे पहली चीज़, पीजी या हॉस्टल में आप कहीं पे भी आते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ जो लगेगी वो लगेगी आपकी बेडशीट, क्योंकि आप कोई भी बेडशीट डली होगी तो आप उस पर जाके बैठ नहीं जाओगे, बिकॉज इट कैन बी डर्टी और वो कैसा भी हो सकता है, आई डोंट लाइक इट. तो सब लोगों को अपने बेडशीट और पिलो कवर्स लाने होते हैं. तो अब इसमें लोग क्या करते हैं, मतलब अब एक बेडशीट है तो एक बेडशीट से तो सारा काम नहीं होगा, हर बार वो बेडशीट नहीं रहेगी, जब कब हम इसको धोने डालेंगे तब क्या करेंगे, तब कौन सी यूज़ करेंगे. तो इसलिए बहुत सारे लोग बेडशीट, ब्लैंकेट, ये वो बहुत सारे अपने बैग्स में लेकर आते हैं, जिससे उनके बैग भारी हो जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ एक बेडशीट और एक कवर लेकर आओ अपने घर से जो तुम्हारे पास है, और उसको बेसिक के लिए डाल लो. और आप कहीं पे भी शिफ्ट हो गए, आई होप वहाँ पे आजू बाजू डीमार्ट होगा. पुणे में तो इज लाइक, मतलब हर एरिया में एक डीमार्ट होता है, मतलब हर एक, मतलब ऐसे कॉमन एरिया में डीमार्ट होता है. हमारे जो PG है वहाँ से लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे है डीमार्ट. तो आई वुड सजेस्ट कि एक लेकर आओ, और फिर यहाँ पे सब चीज़ मिलता है, मीन्स डीमार्ट में A to Z सामान मिलता है. मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ डीमार्ट की, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि मतलब घर से, मैं भी घर से लेकर आई थी बहुत सारे, दो दिन बेडशीट लेकर आई थी, पिलो कवर लेकर आई थी, ब्लैंकेट लेकर आई थी, जो कि मैंने वहाँ से न्यू वाला ख़रीदा और यहाँ पर लेकर आए, तो वो अननेसेसरी बैगेज हुआ मुझे, बस वहाँ से यहाँ लेके आने के लिए आते हैं. मतलब एकदम हमारा फर्स्ट डे है, हम लोग घर से आए हैं और यहाँ पर रुके हैं, तो हमें ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हम भूल जाते हैं. तो वो सबसे मेन है कि आप कहीं से भी बाहर से आओगे, यू वुड नीड अ हैंड वॉश, अ सोप एंड अ टॉवल. ये सब चीज़ें तो आपको लगी, एंड कपड़े धोने का साबुन मेनली, तो ये चीज़ें तो आपको लगेगी और हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं. एंड टूथपेस्ट, मतलब आने के बाद जस्ट हम लोग पहुँच रहे हैं अपने PG में, अपने रूम में हम लोग पहुँच रहे हैं, उसके बाद तुमको ये सब चीज़ें तो लगेंगी. इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि छोटा वाला सोप, टूथपेस्ट, कपड़े धोने का साबुन एंड योर टॉवल यू शुड कैरी. मीन्स ये आप उस पर डिपेंडेंट मत रहना कि मैं वहाँ पर जाके खरीद लूँगा, मतलब ये क्या साबुन क्या उठा के लेके जाने की चीज़ है. बट वेन यू आर कमिंग समवेयर, इवन इफ यू आर इन फ्लैट और PG, तो आप 5th floor 6th floor ऐसे पे होते हो, तो वहाँ से नीचे उतर के फिर आप नियर बाय शॉप में जाओगे, वहाँ से एक साबुन लेकर आओगे. इससे अच्छा घर से लेकर आओ ना छोटा वाला, तो घर से लेकर आओ एंड इट वुड बी वेरी यूजफुल. ये बेसिक्स है. एंड गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी कि अपने रेजर पैड, ये वो अपने साथ में लेकर आओ, क्योंकि मतलब ऐसे लगता है कि वहाँ पे भी सब मिलता है, बट इन केस इफ़ यू आर नीडिंग तो आपको फिर उस वक्त तो होना चाहिए आपके पास में. तो इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेसिक्स. आई नो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई एम ट्राइंग टू कन्वे अ पॉइंट जो आई थिंक, मतलब इट्स प्रैक्टिकल कि आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े. इसीलिए तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूटेंसिल्स. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो घर से आते वक्त एक इंडक्शन
और बहुत सारे बर्तन और ये वो सामान सब उठा कर लेकर आते हैं. सो इफ यू आर कमिंग इन पीजी एंड आपको खाना बनाना नहीं है, यू आर गोइंग टू मेस, तो आपको क्या ज़रूरी है? सबसे पहले आपको चाहिए प्लेट, आपका चम्मच और आपका ग्लास, वाटर बॉटल, ऐसे सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब मैं पीजी में आई थी मुझे ये नहीं पता था कि पीजी में खुद का प्लेट्स लेके जाना पड़ता मेस में. आई थॉट कि प्लेट्स भी वही लोग देते हैं. आई नो आई एम डम, सबको तुमको सबको पता होगा कि प्लेट्स नहीं मिलता, बट मुझे नहीं पता था. इसलिए मैं ये पॉइंट को बता रही हूँ क्योंकि अगर मेरे जैसे कोई लड़कियाँ होंगी इनको नहीं पता कि अपना प्लेट भी लेके जाना होता है, तो उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि अपना प्लेट, चम्मच, कटोरी एंड अ ग्लास, मतलब एक सेट ऑफ ये चीज़ आप ज़रूर रखना. अगर आपने बर्तन ये वो पतीला ये वो नहीं भी लाया तो भी चलेगा, बट अपने प्लेट चम्मच ज़रूर रखना. क्योंकि आप जब भी जाओगे तो एकदम से अब आपको खाने के लिए लगेगा तो किस में खाओगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब था ही नहीं शायद. तो ये बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट थिंग मैंने इसके साथ में जो रखी है वो है नाइफ. क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो इन केस हमारे पास कोई चीज़ रहती है जो हमें काट के खाना है, लाइक फ्रूट और कुछ पैकेट्स वगैरह होते हैं जिनको हमें काटना होता है, तो उसके लिए सीजर और नाइफ लगती ही है. लाइक इट्स अ बेसिक. तो आई थिंक यहाँ पे जाओगे, मतलब न्यू सिटी में आओगे फिर एक जगह ढूंढने जाओगे जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलता है. पुणे में आई थिंक कोई भी एरिया में ये चीज़ें एक हाँ शॉप में सब जगह क्लियरली मिल जाती है. बट इवन इफ़ यू आर गोइंग टू सम एरिया जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फॉर नाउ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अपना एक छोटा सीजर और नाइफ अपने साथ रख लो, कुछ नहीं जाएगा रखने में, रख लो. ओके सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ इलेक्ट्रिक केटल. हाँ, तो क्या होता है कि सब लोगों के माइंड में ये होता है कि हमें अपने साथ में इंडक्शन रखना चाहिए ताकि हम लोग एटलीस्ट मैगी ओट्स ये वो खा सकें. तो उसके लिए क्या होता है, जब हम लोग इंडक्शन लेके आते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीजीज में वो अलाउड नहीं होता है क्योंकि वो बहुत लोड खींचता है. और उसके लिए अगर आपने कोई स्विच को अटैच किया जो जनरेटर इन्वर्टर पर है तो उन लोगों को पता चल जाएगा, डेफिनेटली पता चल जाएगा क्योंकि काफ़ी लोड खींचता है. और पीजी में ऐसे होता है जहाँ पे जनरेटर इन्वर्टर होता है तो वो सब चीज़ें अपने कनेक्टेड करके रख देते हैं, सब स्विच उससे कनेक्ट करके रख देते हैं. एंड इन केस आपने लाइट नहीं है और अगर आपने इंडक्शन लगा दिया और इंडक्शन ने लोड खींचा तो जनरेटर ख़राब हो जाता है. ये हमारे पीजी में हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. सो मोस्ट ऑफ द पीजीज वोंट अलाउ यू टू ब्रिंग इंडक्शन. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक इलेक्ट्रिक केटल आता है, मैं ये देखो ये वाला होता है जिसमें आप एग बॉईल कर सकते हो, आप मैगी बना सकते हो, आप पास्ता बना सकते हो, आप चाय बना सकते हो, आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप कॉफ़ी बना सकते हो. इट कैन बी यूज इन एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. देखो आप एक इंडक्शन खरीदोगे जो 3000 का है, उसके ऊपर आपको यूटेंसिल्स लगेंगे, चम्मच लगेगा, पतीला लगेगा, ये वो सब चीज़ें लगेंगी. इससे बेटर है कि आप ये खरीदो. दिस कम्स अराउंड 1500 to 2000, इसके बीच में ही आएगा. एंड इसमें सब चीज़ें बनती है तो आपको ना अलग से वाटर बॉयल करने के लिए कोई केटल नहीं चाहिए, आपको कॉफ़ी बनाने के लिए कोई केटल नहीं चाहिए, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा. तो अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे. मेरा फिफ्थ पॉइंट ये मैंने लिखा है, इसमें हैंगिंग वायर और क्लिप्स. क्या होता है ना कि जब हम फर्स्ट टाइम कहीं पे जाते हैं एंड रहते हैं एंड हम लोग अपने कपड़े धोते हैं तो इवन इफ़ यू आर वॉशिंग योर क्लोथ्स लाइक अंडरवेयर ये वो तो फिर आपको उसको कहीं पे सुखाना पड़ता है. ठीक है, सुखाने के लिए आपको कहीं डालना पड़ता है. एंड इफ़ यू आर लिविंग ऑन द फिफ्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो कभी भी हवा आके वो उड़ के जा सकता है. तो इसलिए आपके पास अपने क्लिप्स होना बहुत ज़रूरी है. मेरे दिमाग में बत्ती नहीं थी, मैं लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है ताकि आप लोग ना भूलें. ओके, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमें वहाँ पे भी मिल जाएगा, हम वहाँ पे ले लेंगे. पर जब तक आप आते हो फर्स्ट टाइम, अपने क्लोथ्स को वॉश करते हो, कुछ भी करते हो, आपको टॉवल सिखाना है, कुछ भी चीज़ें सुखाना है, तो वो सूख नहीं पाते. अगर आप बाहर डाल रहे तो उड़ गया तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, सो कैरी योर क्लिप्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट दैट आई हैव मेंशन इज आयरन. ओके, मैं घर से सारे ए टू जेड कपड़े प्रेस करके लाई थी, बट आते आते वो जो सूटकेस था उसमें ही कपड़े मुड़ चुके. एंड आयरन पीजी में अलाउड नहीं होता है, मैं बता रही हूँ. पीजी वाला नहीं बोलेगा कि आप ला नहीं सकते हो, बट आप ला सकते हो अपने बैग में छुपा के, उसको पता ना चले कि आप लेकर आए हो, बट आपके पास होना चाहिए.
प्लीज़ मेरे पीजी वाले भैया ये वीडियो ना देखें, आई वुड सजेस्ट कि उनके उन तक ये वीडियो ना पहुँचे. तो सेवन पॉइंट दैट आई हैव मेंशन इज न्यूज़पेपर एंड क्लीन क्लॉथ. अब क्योंकि ये पॉइंट कभी भी आई थिंक दिमाग में नहीं आता है कि न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, बट इट कैन बी यूज एन नंबर ऑफ टाइम्स. क्योंकि टू मी पर्सनली मैं ऐसे तो नहीं रख सकती हूँ, मुझे पहले उसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मेरे कपड़े मतलब हम लोग ऑफिस के कपड़े हैं, घर पहनने के कपड़े हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम लोग ऐसे गंदगी में रहना पसंद नहीं करते. वी नीड हाइजीनिक प्लेस. ओके, तो उसके लिए एक घर से साफ़ करने का कपड़ा ज़रूर लेकर आओ, क्योंकि ये चीज़ हम हमेशा भूल जाते हैं. सब दुनिया भर के कपड़े लेकर आएंगे बट साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा नहीं लेके आना. अगर आप पहले बार आ रहे हो, रूम में जा रहे हो, रूम में अब अपना सामान सेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास में क्लॉथ नहीं है साफ़ करने के लिए, तो अब आप वहाँ पर गंदे ही जगह पर आपको रखना पड़ेगा, या फिर आपको कोई अपने यूज़ वाले कपड़ों में से कोई एक कपड़े को क्लीनिंग क्लॉथ बनाकर साफ़ करना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि अपने घर से एक कपड़ा लेकर आओ. आपके पास होंगे बहुत सारे कपड़े जो आप रिटायर करने वाले होंगे, तो कोई भी एक टी शर्ट वगैरह जो भी आपको लगता है कि क्लीनिंग में काम आ सकता है, तो आप उसको लेकर आओ. एंड न्यूज़पेपर जो मैंने बोला, मतलब अलमारी में जो शेल्फ होते हैं उसके ऊपर लगाने में काम आता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई भी चीज़ को रैप करके रखना है तो आप उस पर पेपर लगा के रख सकते हो. थर्ड थिंग, अगर आप कोई चीज़ खाना है जो आप घर से लेकर आए हो, लाइक कुछ मिठाई या नमकीन या कुछ ऐसी चीज़ आप जो घर से लेकर आए हो, तो आप बार बार पीजी में अपने प्लेट में नहीं खा सकते हो, क्योंकि अगर आप प्लेट में खाओगे तो आप उसको वॉश भी करना पड़ेगा. तो इसीलिए अगर आपके पास न्यूज़पेपर है या पेपर प्लेट है, तो आप उसमें खाओ और उसको फेंक दो, तो आपको धोने का झंझट नहीं रहेगा. तो इसलिए न्यूज़पेपर ना बहुत जगह यूज़ होता है. सबका पर्सनल यूज़ अलग अलग हो सकता है, तो मैं जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ कि अपने साथ दो तीन न्यूज़पेपर लेकर आओ. एट पॉइंट दैट मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे होता है कि पीजी में हम लोग खाना खाते हैं तो हमको वो खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारे घर पर बहुत अच्छा खाना बनता है, हम पंजाबी, मेरे को तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, पर यहाँ पे आने के बाद मुझे वही खाना पड़ता है जो पीजी वालों ने बनाया हुआ होता है. तो इसीलिए अपने साथ अपने पिकल्स, सेब, भुजिया, जो जो तुम्हें पसंद है, जिससे थोड़ा खाने की टेस्ट बदल जाती है. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यहाँ पे सिंगदाने की चटनी लेकर आती है, उनके घर पे बनती है तो वो लेकर आती है. तो ऐसे चटनी, पिकल्स, ये वो लेकर आओ, ताकि आपको घर वाला टेस्ट जो है ना, थोड़ा सा आप उससे कनेक्ट कर पाओ, ताकि आपको यहाँ पे भी खाने को अच्छा लगे. मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि अपने साथ सेब लेकर आते हैं, तो अगर दाल चावल खा रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सेब डाल रहे हो, दाल चावल में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, तो सेब के टेस्ट से थोड़ा बहुत खाना खाया जाता है. तो आते से ही जब घर से आते हैं तो थोड़ा थोड़ा कैरी करके लेके आ जाओ, ताकि आपको ऐसे ना हो कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप थोड़ा रोटी में लगा के अचार, पीनट बटर, ये वो आप खा सकते हो. तो अपना थोड़ा बेसिक खाना जो आपको लगता है कि आपके काम में आएगा, लाइक पिकल्स, पीनट बटर, जैम, ब्रेड, जो ब्रेड तो नहीं ला सकते, जैम, जो जो चीज़ें चलती है लॉन्ग टाइम में, वो आप अपने घर से लेकर आ सकते हैं, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो. ओके, सो अभी हम थोड़ा थोड़ा लास्ट अपने वीडियो की लास्ट एंड में आ रहे हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें मेंशन किया है वो है स्मॉल लॉक एंड अम्ब्रेला. तो वो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द लोग पीजी में जब हम लोग आते हैं तो हमको एक अलमारी मिलती है जिसका लॉक सही होना इज़ अ मैटर ऑफ लक. तो हर किसी का लक इतना अच्छा नहीं हो सकता है. ऐसे भी हो सकता है कि आपके अलमारी को लॉक ना हो, एंड अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट स्टफ़ रखते हैं, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका वॉलेट है, आप हर वक्त तो अपने अलमारी के पास नहीं बैठे रहोगे ना देखने के लिए कि हाँ कोई नहीं आ रहा है, इट्स सेफ एंड ऑल. सो अपना एक छोटू सा लॉक लेकर आओ और अपनी अलमारी के पास रख दो, ताकि इनकेस अगर आपके अलमारी में लगता हो तो आप उसको लगा के अपनी चाबी अपने पॉकेट में रख के कहीं पे भी जा सकते हो. एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट थिंग्स कि मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े, मेरा उसमें वॉलेट था, मेरे कार्ड्स थे. इट्स ऑल सेफ इफ़ यू कीप इट. एंड अम्ब्रेला पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि घर में हमारे बहुत सारे होते हैं, मतलब हर किसी के घर में 2-3-4 अम्ब्रेला होता ही है, ठीक है. एंड हम लोग जब ये न्यू सिटी में आते हैं, एंड मौसम तो देखो कोई भरोसा नहीं है, पुणे में तो हर वक्त बारिश हो रही है, मतलब इट्स लाइक मिड सेप्टेम्बर
तभी भी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, इतना भी नहीं मतलब जोर जोर से भी नहीं हो रहा है, पर बारिश बहुत बारिश हो रहा है। तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है, यू हैव टू गो टू ऑफिस, तो यार बहुत प्रॉब्लम होती है। देन यू हैव टू बाय एन अम्ब्रेला। तो जब घर में तीन चार पड़े हुए हैं तो वहाँ से एक लेकर आओ ना, यहाँ पे आके फिर से पैसे खर्च करने होंगे, फिर से खरीदना होगा। इट्स बेटर कि आप अपने घर से लेकर आओ। आई थिंक आई हैव मैंशन ऑल द थिंग्स जो आपको पीजी में लग सकता है। इसके ऊपर इट्स योर पर्सनल चॉइस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कैरी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे आने के बाद मुझे जो चीज़ें लगी, मुझे जो लगा कि इट्स बेटर नॉट टू बाई फ्रॉम योर होम टाउन एंड गेट इट हियर, तो मैंने उस चीज़ को मैंशन किया। एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस टू कैरी वॉट एवर स्टफ यू लाइक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आपके कोई भी फ्रेंड्स जो अभी रिसेंटली शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है एंड वेरी सैड, हाँ तो वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है, तो वो अब अपने न्यू टाइम में शिफ्ट होने वाले हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर मूविंग टू अ न्यू सिटी। एंड आई विश यू ऑल अ न्यू गुड लक, क्योंकि आप सब लोग न्यू सिटी में जा रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।